हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे अध्याय का नाम है वाक्। सबसे पहले हमें जानना होगा कि वाक का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, वाक का अर्थ होता है वाणी, और इसे हम चार पंक्तियों में इसे चार पंक्तियों में लिखा जाता है। यह कश्मीरी शैली का एक उदाहरण है और इसे हम गा भी सकते हैं। दोस्तों, जो ये वाक हमने लिए हैं, इन्हें कवित्री ललदियत जी ने लिखा है, जिनका जन्म सन 1320 ईस्वी में कश्मीर में स्थित पांपोर गांव में हुआ, और इन्हीं की काव्य शैली को हम वाक कहते हैं। आज के अध्याय में जो हमने वाक लिया है, यह कक्षा 9 की पुस्तक हिंदी की पुस्तक क्षितिज से लिए हैं। आज के अध्याय में हम इसमें इन्हीं वाक्यों के अर्थ और भावार्थ को समझेंगे और उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय वाक, यानी कि वाणी, जिसकी रचयिता जिसकी कवित्री है ललदियत। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस जो वाक हम पढ़ेंगे उसके बारे में। जो प्रस्तुत वाक्यों का संकलन किसने किया है? मीरा कांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत वाक्यों में कवित्री क्या कहना चाहती है? वे कहना चाहती हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर या मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, और वो क्या है कि यदि कोई भी इंसान सच्चे मन से अपने हृदय में झांकेगा तो वह अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कवित्री के अनुसार जो आत्मज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, जो हमें इस आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उनके अनुसार ईश्वर एक है, और अपने सत्कर्मों से ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। हम सत्कर्म तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर जितने भी अहंकार या बुरी भावनाएं दुर्भावनाएं बसी हुई हैं, इन सब पर हम विजय प्राप्त कर लें, यानी कि इनसे मुक्त हो जाएं, तभी कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह कहना है कवित्री ललदियत जी का इन वाक्यों के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं इन वाक्यों को और समझते हैं इनके भावार्थ को। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देवे भव सागर पार, कर देव करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। यह हमारा वाक है। अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। इसमें कवित्री ललदियत जी कहती हैं कि जीवन को जीने के लिए जितने भी साधन हैं, वे हमारे कच्चे धागे की रस्सी के समान कमजोर हैं और कुछ पल के साथी हैं, क्षण भंगुर हैं। इन्हीं के सहारे मैं अपनी जीवन रूपी भक्ति नौका को खे कर भवसागर के पार जाना चाहती हूँ, यानी कि इन्हीं कच्चे धागों के सहारे मैं अपनी जो अपनी जिंदगी अपने जीवन को जीना चाहती हूँ और बाद में परम धाम को प्राप्त करना चाहती हूँ। पता नहीं मेरी यह नौका भव सागर पार जा भी पाएगी या नहीं, ये तो भगवान के ही भरोसे है। ना जाने देव मेरी कब पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार सागर से पार ले जाएंगे। यानी कि इसमें कवित्री कहना चाहती हैं कि मुझे ये जो जीवन है उसे जीना ही है, जितनी सांसें मेरे साथ लिखी हुई हैं उनको मुझे जीना होगा। पता नहीं कब भगवान मेरी सुनेंगे और मुझे इससे मुक्ति देंगे। मेरा यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान है, जिस पर समय रूपी जल की बूंदे निरंतर गिर रही हैं, यानी कि जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है और हमें इसे जीवन समय रूपी जो जल की बूंदे हैं इसे गलाकर क्षीण कर रही हैं, अर्थात यह शरीर समय रूपी जल के प्रभाव से बूढ़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और मृत्यु की ओर अग्रसर है। मेरे प्रभु मिलन के सारे प्रयास व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि मैं दुनिया के मोह माया में इतनी फंस गई हूँ कि मैं प्रभु के बारे में प्रभु का नाम लेने की सोच भी नहीं पाती। मेरा हृदय रह रह कर तड़प उठता है, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है कि मैं कब प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात उस परम धाम को जाना चाहती हूँ। दोस्तों, यह था मेरे पहली वाक का भावार्थ। अब चलिए दूसरा समझते हैं, दूसरी वाक सुनते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी
बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। दोस्तों चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ वे कहना चाहती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की थी, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें यह समझ नहीं आया कि कौन सा मार्ग उन्हें चुनना चाहिए और कौन सा नहीं। यानी कि जैसे ही हमें यह जीवन मिला, हम इस दुनिया की मोह माया में फंसते चले गए और राह को भटकते चले गए। संसार के जितने आडंबर थे, इनमें हम फंसते हुए चले गए। समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना इत्यादि, ये सब तो हमने करा, परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन हुआ ही नहीं। इसलिए वो दुखी हो गई हैं कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गई। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब भी वे भव सागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी, तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी, क्या कहेंगी कि मैंने क्या करा। दोस्तों योग में जो है सुषुम्ना नाड़ी पर नियंत्रण को बहुत जोर दिया गया है। कहा गया है कि योग के द्वारा आप अपनी इस नाड़ी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, आपका जो शारीरिक और मानसिक आपको बल मिलता है, और जो यही नियंत्रण है, वह जब हमारी इस नाड़ी पर नियंत्रण आ जाता है, तो हमें ईश्वर की भक्ति करने के लिए उसके करीब पहुंचने का मौका मिलता है। और क्या होता है लास्ट में, लेकिन जब हमारी नैया पार लग भी जाती है, तो हमारे पास क्या होता है भगवान को देने के लिए, कौड़ी भी नहीं, क्योंकि हमने दुनिया के छल छदम में फंसकर सिर्फ उसी की तरफ ध्यान दिया, भगवान का तो एक दिन भी नाम नहीं लिया। यानी जब भक्त की श्रद्धा की पराकाष्ठा ऐसी है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने जो कुछ पाया, जब हम समझ गए कि हाँ हमें जो मिला है, हमें तो सब भगवान ने दिया है, तो आज मैं उसे क्या दूंगी, मेरे पास देने के लिए तो कोई फूटी कौड़ी भी नहीं है। तीसरा वाक है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इनमें कवित्री कहती हैं कि अगर हम संसारिक विषम भाव वासनाओं में डूबे रहेंगे, तो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसके उलट यदि हम संसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे, तो भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। उसके लिए हमें भोग का पूरी तरह से त्याग करना होगा, परंतु उससे हमारे मन में अहंकार आ जाएगा। यानी कि हम सोचेंगे कि मैंने सारे भोग विलास छोड़ दिए, तो इसी अहंकार के कारण हम ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कवित्री के अनुसार दोनों ही रास्ते गलत हैं। यदि भक्त को अपने जीवन का उद्धार करना है, तो उसे भोग और त्याग के बीच का रास्ता अपनाना होगा, यानी कि अपनी इंद्रियों पर उसे उचित संयम रखना होगा। इसके द्वारा भक्त को सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखना होगा। इसी समय मनोदशा से इसी आप इसी मनोदशा से भक्त को प्रभु भक्ति के बंद दरवाजे खोलने में सहायता मिलेगी और भक्त और प्रभु का मिलन संभव हो पाएगा। अगला है, थल थल में बसता है शिविर, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री कहती हैं कि जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, कल्याणकारी हैं, सर्वव्यापी हैं, इसलिए चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी एक जैसे हैं। ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्मस्वरूप को पहचान, आत्मा से ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कवित्री ललदीय द्वारा लिखे गए कुछ वाक्यों का भावार्थ। आगे भी इसी प्रकार के हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों को लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।